सैफ अली, एल एम सी को मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी कम पार्ट टू और उसका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आज हम प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ द सम टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2009। ऑन 1st April 2009 MN Limited commenced work on a contract which was to be completed by 30th June 2010 at an agreed price of ₹5,20,000. MN Limited's financial year ended on 31st December 2009 and on that date expenditure on the contract totaled ₹2,63,000 made up as under: plant ₹30,000, material ₹1,24,000, wages ₹95,000, sundry expenses ₹5,000, head office charges ₹9,000. Cash totaling ₹1,95,000 has been received by 31st December 2009, representing 75% of work certified as completed on that date. In addition, work costing ₹30,000 had been completed but not certified. A sum of ₹9,000 had been obtained on sale of material which had cost ₹8,000, which had been found unsuitable. On 31st December 2009, stock of unused material on site had cost ₹10,000. And the plant was valued at ₹20,000. To complete the contract by 30th June 2010, it was estimated that the following additional expenditures would be incurred: wages ₹64,000, material ₹74,400, sundry expenses ₹9,000. Further plant costing ₹25,000 would be required. The residual value of all plants used on the contract up to 30th June 2010 would be ₹15,000. Head office charges to the contract would be at the same annual rate plus 10%. It was estimated that the contract would be completed on time, but a contingency provision for ₹15,000 should be made. From this estimate and expenditures already incurred, it was decided to estimate the total profit that would be made on the contract and to take to the credit side of profit and loss account for the year ended 31st December 2009 the proportion of the total profit relating to the work actually certified up to that date. तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने एक्चुअल अमाउंट्स के एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाना है और दूसरा एस्टिमेटेड और एक्चुअल, दोनों को कंबाइन करके एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। पहला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा पूरे साल के लिए और दूसरा होगा 6 मंथ्स है उसकी ड्यूरेशन, क्योंकि 30th June 2010 को कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे एक्चुअल अमाउंट्स को यूज़ करते हुए। इसमें हमारे पास एक्सपेंसेस में सबसे पहले मटेरियल बताया गया है ₹1,24,000। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे जो अनसूटेबल सेल कर दिया है, उसकी कॉस्ट थी हमारे पास ₹8,000, लेस अनसूटेबल मटेरियल ₹8,000, जो नेट वैल्यू होगी हमारे पास मटेरियल की ₹1,16,000। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस, और वेजेस का अमाउंट है ₹95,000। देन हमारे पास है सन्ड्री, प्लांट, प्लांट की वैल्यू है हमारे पास ₹30,000। ये रही, अब हमने रिकॉर्ड करने हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के अमाउंट है हमारे पास ₹5,000 और हेड ऑफिस चार्जेस हैं ₹9,000। तो ये हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें हम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड। सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन हम करेंगे।
ये 1,95,000 जो कैश रिसीव हो रहा है ये 75% है वर्क सर्टिफाइड का, यानी कि 4/3 है ये। तो हम इसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 3/4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 100% अमाउंट आ जाएगी और वो अमाउंट वर्क सर्टिफाइड की होगी। 1,90,000 हमारे पास कैश रिसीव था और ये 75% है। 75% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 3/4 होता है। अगर हम इसको रिवर्स करके इस फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आ जाएगी 1,95,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 2,60,000 हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है। और हमें वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट भी बताई गई है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 30,000 रुपीज़। ये रहा, और जो टोटल हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट होगी 2,90,000। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल एट साइट था हमारे पास और उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, ये हमें बताया गया है। मटेरियल एट साइट रुपीज़ 10,000 और प्लांट एट साइट है हमारे पास रुपीज़ 20,000। अब हम इनको टोटल करेंगे 2,90,000 एड 10,000 एंड देन 20,000। इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस 1,16,000 एंड देन 95,000 30,000 5,000 एंड 9,000। तो टू लैख 90,000 इसमें ऐड करेंगे 10,000 एंड देन 20,000। ये हमारे पास टोटल है 3,20,000। इसमें से हम लेस करेंगे 1,16,000 एंड देन 95,000 एंड देन 30,000। उसके बाद है हमारे पास 5,000 एंड देन 9,000। तो 65,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब हम इसको प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बनाएंगे और प्रॉफिट की एलोकेशन करते हैं। जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हमें प्रॉफिट फाइंड होता है हम उसकी एलोकेशन करते हैं, इस प्रॉफिट को एलोकेट नहीं करते। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो पोर्शन जो हमने क्रेडिट साइड पर लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वो हम ये वाला प्रॉफिट नहीं कंसिडर करते। जो नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाना है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट होगा उसे हम एलोकेट करेंगे। 86,000 ये कॉन्ट्रैक्ट जब नेक्स्ट हम बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उसे हमें फाइंड होगा मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गए जो हमने क्रेडिट साइड पे लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और जो रिमेनिंग है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस वो रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज है या प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है। हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 65,000 डेबिट और 65,000 क्रेडिट आ जाएगा। अब हम बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2009 और 2010 दोनों के अमाउंट्स को कंसीडर करेंगे। तो इधर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में हमारे पास मटेरियल है 1,16,000 हमारे पास पहले था मटेरियल टोटल और 74,400 2010 में यूज़ होगा। तो जो टोटल अमाउंट होगी मटेरियल की 1,90,400। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे वेजेस, और वेजेस 2009 में हमारे पास 95,000 थी और 2010 में 64,000 होगी। टोटल जो वेजेस हो जाएंगी 1,59,000 होगी। देन हम रिकॉर्ड करेंगे प्लांट, और प्लांट जो 2009 का क्लोजिंग था वो 2010 का ओपनिंग होगा। और लास्ट ईयर यानी कि 2009 में हमारे पास 30,000 का क्लोजिंग प्लांट था और 2010 में 25,000 यानी कि 25,000 का मजीद जो प्लांट है वो रिक्वायर्ड है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लांट 30,000 प्लस 25,000, तो हमारे पास टोटल 55,000 प्लांट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हेड ऑफिस चार्जेस उनको हम रिकॉर्ड कर, सन्ड्री एक्सपेंसेस है सबसे पहले 5,000 लास्ट ईयर के थे और 9,000 इस ईयर के हैं 2010 के।
इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो 14,000 हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब हमने रिकॉर्ड करना है हेड ऑफिस चार्जेस को, और हेड ऑफिस चार्जेस थे लास्ट ईयर के ₹9,000, और लास्ट ईयर 9 मंथ्स काम हुआ है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, इसलिए ये 9,000 हैं। और 2010 में 6 मंथ्स काम हुआ है, लिहाजा जब 9 मंथ्स काम हुआ था लास्ट ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, तब 9,000 एक्सपेंसेस थे, इसका मतलब है पर मंथ 1,000 रुपीज़ हैं। तो 2010 में 6 मंथ्स काम हुआ है, 30 जून 2010 को कंप्लीट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, लिहाजा पर मंथ अगर 1,000 हो तो 2010 के लिए 6,000 रुपीज़ हेड ऑफिस चार्जेस होंगे। और हमें मज़ीद बताया गया है कि हेड ऑफिस चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एट द सेम एनुअल रेट जो 2009 का एनुअल रेट था, यानी कि 1,000 पर मंथ वही रेट है, लेकिन उसमें प्लस है 10%। 2010 का हम 10% लेंगे, 2010 के हेड ऑफिस चार्जेस हैं 6,000 रुपीज़, इनका हम 10% लेंगे और ये 600 रुपीज़ ऐड कर देंगे, ऐड 10% ऑफ 6,000, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी हेड ऑफिस चार्जेस की 15,600 रुपीज़ होगी। इसके बाद हमें बताया गया है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज भी हमने एक बनाना है, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज 15,000। अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्योंकि टोटल अमाउंट पे कर दी गई थी 2010 में, लिहाजा हम यहाँ कैश रिसीव नहीं लिखते, यहाँ लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और टोटल वैल्यू लिखेंगे 5,20,000। और जो प्लांट रिटर्न हो रहा है हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और 2010 में प्लांट रिटर्न हो रहा था हमारे पास 15,000 रुपीज़ का। अब हम इनको ऐड करेंगे, ये हमें बताया गया है द रेजिडुअल लाइफ ऑफ ऑल प्लांट यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30 जून 2010 वुड बी 15,000, तो ये हमारे पास लास्ट पे बच गया है, तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इनको टोटल करते हैं 5,20,000, इसमें हम ऐड करेंगे 15,000, तो हमारे पास 5,35,000 टोटल हो गया। इसमें से अब हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे 1,90,400 एंड देन 1,59,000, 55,000, 14,000 एंड देन 15,600 एंड देन 15,000, तो ये हमारे पास 86,000 टोटल प्रॉफिट है। और 2009 के जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें ये वाला प्रॉफिट जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2010 में जो हमने फाइंड किया है 86,000, इसको एलोकेट किया था हमने, प्रॉफिट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट 86,000। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है, शुक्रिया नासरीन।